आज हम आपको अलवर में ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ मिलता है फ्री में 5 स्टार वाला खाना। जय श्री राम। हेल्प ऑल फाउंडेशन इंडिया अलवर की तरफ से है और हम लगभग ये 10वां हफ्ता है जिसमें हम फ्री में लोगों को खाना खिला रहे हैं। वैसे तो हम रेगुलर अलग अलग टाइप का खाना बनाते हैं। अच्छा, जैसे हमने पोस्ट बर्थडे के टाइम पे पोस्ट बर्थडे बनाया, हमने पूरी सब्जी भी बनाई। अभी जैसे मौसम ठंडा है तो बाजरे में लोगों को बहुत टेस्ट आता है। अच्छा। और जनरली हम लोग घर पे नहीं बना पाते हैं कम बाजरा। आज हमने खाने के मेन्यू में कड़ी बाजरा बनाया है। अच्छा। ये देखिए कड़ी बाजरा और ये कड़ी, ये देखिए भुज्जी, साथ में हमने गुड़ भी रखा है, शक्कर भी रखा है, नमक भी रखा है। ठीक है, आप जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपका एनजीओ है, ये रजिस्टर्ड एनजीओ है? जी, ये हमारा रजिस्टर्ड एनजीओ है जो कि हमारा अभी एटीसी के लिए भी अप्लाई कर दिया है, जो एटीजी में अभी रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप जो ये फ्री में खाना खिला रहे हैं, काफी लोग पैसे लेके भी खिला रहे हैं, 1 रुपए 2 रुपए, तो इससे खाने की वेस्टेज तो नहीं होती? जैसे नहीं, खाने की वेस्टेज नहीं होती है, बिकॉज हम केवल उतना ही खाना देते हैं जितना वो खा सके। फिर हम उसको बोल देते हैं आप रिपीट कर लो, दोबारा ले लो, दोबारा ले लो, हम मना नहीं करते हैं, आप कितनी बार भी ले सकते हो, बट एक बार में लिमिटेड क्वांटिटी देते हैं जिससे वेस्ट नहीं होता। और जब तक पूरा फिनिश नहीं होता हम लोग यहीं रहते हैं। दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं आपके यहाँ? लगभग 500 से 700 लोग तो इजीली आ ही जाते हैं। अच्छा, और टाइमिंग्स क्या रहते हैं, मतलब कब कब खिलाते हैं थोड़ा बताइए? 9 बजे हम आ जाते हैं यहाँ पे खिलाने के लिए, लगभग 12-12:30 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। अच्छा, मतलब डेली या फिर? नहीं, ओनली संडे को हम लोग खिलाते हैं। कोई खास दिन संडे को? संडे कुछ खास दिन नहीं है, हम सब लोग वर्किंग है, सब फ्री होते हैं, जो जो भी संस्था में जुड़े हुए हैं, तो हमने एक डिसाइड किया कि एक दिन जो हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोगों की सेवा के लिए लगाएं। तो भैया, अगर जैसे किसी को हेल्प करानी हो तो किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकते, थोड़ा बताएंगे? सर, वो हमारे हेल्प ऑल फाउंडेशन के किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकता है, यहाँ पे हमें मिल सकता है, साथ में हमारे मोबाइल नंबर्स हम दे देंगे जिसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्या डोनेशन लेते हैं या फिर जैसे आप कोई अनाज भी दे जाए या फिर कुछ अपनी तरफ से जो श्रद्धा हो? सर, हम जो भी जिस भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहता है, चाहे वो हेल्प करना चाहता है, हमारी सेवा करना चाहता है, लोगों के लिए बनाने में सेवा करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करना चाहता है, चाहे वो पैसे से करना चाहता है, चाहे वो कुछ सामान देना चाहता है, हमारे तरीके से। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? लोग साथ में बैठे थे और साथ में हम लोग काम करते हैं, तो बैठे जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम पहले पक्षियों पशुओं के लिए हम लोग किया करते थे, इससे पहले भी हम बहुत काफी टाइम से कार्य कर रहे हैं जिसमें हम पशु और पक्षियों के लिए कुछ कुछ दाना और कुछ खिलाते थे। तो हमने सोचा कि साथ में लोगों, गरीब लोगों के लिए भी हम ये लोग चालू करें। अच्छा, तो लोकेशन क्या पड़ती है सर? लोकेशन यहाँ पे हम मन्निका बड़ के पास कंपनी गार्डन गेट के सामने हम लोग इसको चलाते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी जो एसोसिएशन बनी हुई है बहुत अच्छा काम कर रही है कि कम से कम वीक में एक दिन हमें इस तरह का मौका मिल जाए कि अपने हाथों से अपने जो भी है कुछ करने को मौका मिल जाए। तो मैं तो कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है और इस पहल में मैं स्वयं इनके पास चल के आया हूँ। मुझे मालूम चला यूट्यूब थ्रू कि ये भी इस तरह से कार्यक्रम होता है, तो मेरी बच्ची का बर्थडे था कल, तो आज मैं यहाँ सेलिब्रेट कर रहा हूँ मेरी बच्ची का बर्थडे। थैंक यू।